अब अमेरिका को हथियार सप्लाई करेगा उत्तर प्रदेश, एक्सपोर्ट करने में बनेगा पहला राज्य। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है बेलवे 455। क्या है इस हथियार का इतिहास? उत्तर प्रदेश अब अमेरिका को हथियार सप्लाई करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। ये रिवॉल्वर अब अमेरिका में धमाका करेगी। हरदोई के डिफेंस कॉरिडोर में लगी फैक्ट्री में अब वेबले 455 रिवॉल्वर कई मुल्कों में अपराधियों का काल बनेगी। वेबले एंड स्कॉट यूपी में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली पहली ग्लोबल हथियार कंपनी है। ब्रिटेन की यह हथियार कंपनी ही वेबले 455 रिवॉल्वर बनाती थी। अब तक इस रिवॉल्वर का प्रोडक्शन सिर्फ ब्रिटेन में ही होता रहा है, लेकिन वर्ष 2020 से वेबले एंड स्कॉट ने हरदोई में हथियार बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने 10,000 वेबले 455 रिवॉल्वर का ऑर्डर पहले ही दे दिया है। वेबले एंड स्कॉट कंपनी के बने हथियारों की सप्लाई दुनिया भर में होती है। इस मशहूर रिवॉल्वर को बनाने के लिए एक भारतीय कंपनी सियाल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड ने वेबले एंड स्कॉट के साथ समझौता किया है। वेबले रिवॉल्वर के एक्सपर्ट्स के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां की रिवॉल्वर अमेरिका भेजी जाएगी। वेबले कंपनी हरदोई में रिवॉल्वर, राइफल्स और शॉटगन का प्रोडक्शन करती है। भारत सरकार के मुताबिक देश में हथियारों का प्रोडक्शन करने वाली कुल 39 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें 10 अकेले उत्तर प्रदेश में ही हैं। वेबले रिवॉल्वर की क्षमता और तेजी ने इसे दुनिया के भरोसेमंद हथियारों में एक बनाया है और अब इस रिवॉल्वर की मदद से यूपी हथियार एक्सपोर्ट करने का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। क्या है इस हथियार का इतिहास? ब्रिटिश राज में इस हथियार का निर्माण 1888 में शुरू हुआ था। पहली बार इसे ग्लोबल कंपनी वेबले ने बाजार में उतारा था। 1924 तक इसका निर्माण होता रहा, इसके बाद निर्माण बंद कर दिया गया। दूसरे विश्व में भी इसका इस्तेमाल किया गया। अब एक बार फिर भारत में वेबले ने सियाल मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। कंपनी के निदेशक मनिंदर सियाल का कहना है कि वेबले ने यूपी को अपना मुख्यालय बना लिया है। इसके निर्माण के साथ ही अमेरिका का बाजार भी अब भारत के लिए खुल गया है। क्या है इस रिवॉल्वर की खासियत? भारत में जब इस रिवॉल्वर का निर्माण शुरू किया गया तो 1924 तक इसके 1.25 लाख से अधिक पीस बनाए गए थे। इसका इस्तेमाल 1963 तक जारी रहा। 1.1 किलो की इस रिवॉल्वर की लंबाई 11.25 इंच है। इसके बैरल की लंबाई 6 इंच होती है। इससे 1 मिनट में 20 से 30 राउंड फायर किए जा सकते हैं। इसके इफेक्टिव रेंज 46 मीटर बताई जाती है। इस रिवॉल्वर का इस्तेमाल प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में हो चुका है। इसके अलावा वियतनाम, कोरिया, इंडोनेशिया से लेकर भारत चीन युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हो चुका है।